दोस्तों आज रिजर्व डे पर होगी फिर बारिश, अब सुपर ओवर वाला नियम तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और क्या ये सुपर ओवर वाला नियम सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग टीम के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला जो कि दोस्तों 28 मई को होना था लेकिन तेज भारी बारिश के कारण ये मुकाबला अहमदाबाद में नहीं हो पाया। जी हाँ, और अब ऐसे में आपको बता दें कि जहाँ ये मुकाबला 29 मई यानी कि आज रिजर्व डे पर खेला जाना है तो ऐसे में ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ऐसे में जहाँ आपको बता दें कि 28 मई को तेज भारी बारिश हुई थी जिसके कारण टॉस तक नहीं हो पाया था तो ऐसे में आज एक बार फिर भारी बारिश की संभावना दोस्तों पूरी पूरी बताई जा रही है। जी हाँ, और ऐसे में अब ये भी साफ हो चुका है अगर आज ऐसे में फिर बारिश होती है तो ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर करवा दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सुपर ओवर के नियम की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें ये केवल एक ओवर का मुकाबला होता है और इसमें दोनों टीमों के तीन तीन खिलाड़ी होंगे तो ये मुकाबला भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। और इसमें जो टीम जीतेगी एक ओवर में जिसके ज्यादा रन होंगे वो टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। तो इसी वजह से अगर आज एक बार फिर भारी बारिश होती है, अगर टॉस में दिक्कत होती है यानी कि मैच पूरा नहीं हो पाता या 5 ओवर तक भी टीम नहीं खेल पाएगी तो ऐसे में सुपर ओवर होगा और ये नियम होगा जिसमें तीन तीन खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा गुजरात और चेन्नई के बीच। तो आपके हिसाब से आज का मुकाबला कौन जीतेगा और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।